जीवन सजाओ, बेटी पढ़ाओ और खुशहाली बढ़ाओ। हर जंग में मुंह के खाओगे अगर आज बेटी को ना अपनाओगे। Daughters are beautiful creations of God. They bring joy and happiness in every house. They are the angels of God on this earth. As said by our Prime Minister Narendra Modi, that it is very important to give education and protection to a girl child. When the country is heading towards being the superpower in the near future, in the long run. That is why the Prime Minister of our country has to take an initiative by launching this drive called Beti Bachao Beti Padhao. Man ki gaanthe khol, tu dekh taraju tol. Sachche hai ye bol, beti hoti hai. खामोशी आया बे
दुनिया अब उसके लिए बेमानी है, जब से पिता ने उसको ना पढ़ाने की ठानी है, जब से उसको पिता ने ना पढ़ाने की ठानी है। ये भविष्य है हमारे देश का, जिसे हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। मैं हर सुनने वाले से अनुरोध करता हूं, जिंदगी में अपने बच्चों के अलावा एक बच्चा जो स्कूल जाने से वंचित रहता है, सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा का अवसर अपने दम पर दें। सरकार को गालियां बहुत, कोस लेंगे हम हालात को भी, लेकिन कुछ कदम हमें भी उठाने होंगे अगर हम सच में भारत को विश्व गुरु के स्तर पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले आती है तो मुझे लगता है कि बेटी को हम क्या कह सकते हैं। तो शायद मेरी नजर से बेटी वो है जो दूसरों के काम आए और दूसरों से अपेक्षा न रखे, मेरे हिसाब से शायद उसी को बेटी कहते हैं। और जब बेटी की बात आती है तो मुझे दो छोटी सी लाइन याद आती है कि नाजुक सा दिल रखती है, मासूम सी होती है ये बेटियां, बात बात पर रोती है, नादान सी होती है ये बेटियां, है रहमत से भरपूर भगवान का खजाना होती है ये बेटियां, घर लगता है सूना सूना जब घर से चली जाती है ये बेटियां। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना, तब जाके जन्म लेती है ये बेटियां।